आफ्टरनून, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल माधव मैया लक्षराज। मैं माधव मैया। मित्रों, आज अपन पढ़ने जाएंगे, कल अपने जो चैप्टर 20 में छोड़ रखा था वो चैप्टर था अपने रुधिर वर्ग। रुधिर वर्ग के बारे में अपन अध्ययन किया था, करना था सॉरी, कल अपन रुधिर के बारे में अध्ययन किया था, जिसके अंदर रुधिर के प्रकारों के बारे में पढ़ा था। आज अपना टॉपिक रहेगा वो है रुधिर वर्ग। रुधिर वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो जाए कि ये रुधिर वर्ग किस प्रकार विभाजित किया गया था, उसके बारे में अपन क्या है अध्ययन करेंगे। तो इधर देखिए प्यारे दोस्तों, रुधिर वर्ग की बात करें तो ये रुधिर वर्ग है, इसकी खोज किसने की और कब की गई, इसके बारे में अपन अध्ययन करें। तो प्यारे दोस्तों, रुधिर वर्ग की जो खोज है वो की गई थी 1901 के अंदर। 1900 लिखें या 1901 अपन लिख सकते हैं, इसके अंदर खोज की गई थी। वो वैज्ञानिक था जिसका नाम था कार्ल लेड स्टीनर। कार्ल लेड स्टीनर ने इसकी खोज की थी। पूछा जाए रुधिर वर्ग की खोज कब और किसने की, कार्ल लेड स्टीनर ने की थी। अब कार्ल लेड स्टीनर ने क्या किया था, जो अपने पहले पढ़ा था आरबीसी डब्ल्यूबीसी वगैरह उसके बारे में पढ़ा था, तो इसने क्या किया था, एक अपने भाग पढ़ा था रुधिर का, वो था अपने पास डब्ल्यूबीसी आरबीसी और प्लेटलेट्स, तीन था। तो इसने क्या किया था, एक आरबीसी को देखा, आरबीसी को लिया और उसकी सतह का इसने क्या किया, जांच की, यानी इसकी जो सतह है उस सतह की जांच की। तो सतह की जांच की किसने, कार्ल लेड स्टीनर ने। तो स्टीनर को इस सतह के ऊपर, इस प्रकार के सतह के ऊपर क्या दिखाई दिए, प्रोटीन दिखाई दिए। क्या दिए दोस्तों, प्रोटीन दिखाई दिए। और कौन से प्रोटीन दिखाई दिए, उस प्रोटीन का नाम है ग्लाइको प्रोटीन, ग्लाइको प्रोटीन दिखाई दिए। अब इस ग्लाइको प्रोटीन के आधार पर इसने ही रक्त समूहों को क्या क्या विभाजित किया गया था। अब ये प्रोटीन है, ये कितने प्रकार के दिखाई दिए, दो प्रकार के प्रोटीन दिखाई दिए। और दो प्रकार के जो प्रोटीन दिखाई दिए, उस प्रोटीन का जो उसने नाम रखा था पहले दोस्तों, वो इसका नाम था प्रोटीन का, उनका नाम रख दिया इसने एंटीजन। क्या रखा दोस्तों, एंटीजन, एंटीजन नाम रख दिया। अब दो प्रकार के थे इसलिए इसमें जो नामकरण करते समय इसने क्या किया था, एंटीजन ए प्लस दूसरा कौन सा नाम रख दिया, एंटीजन बी। दो प्रकार के क्या मिले, लेड स्टीनर को एंटीजन मिले, एंटीजन ए व एंटीजन बी। इसी के आधार पर ही जो अपने पास एंटीजन है, इन एंटीजन के आधार पर इसने क्या किया था, जो रुधिर वर्ग है, इन रुधिर वर्गों का क्या किया था, रुधिर वर्ग या रुधिर को क्या किया था, वर्गों के अंदर विभाजित किया था। किस के आधार पर, प्रश्न बनता है पहले दोस्तों कि रुधिर का वर्गीकरण किस के आधार पर किया गया, एंटीजन वे एंटीजन बी के आधार पर। ये कहां मिले, आरबीसी की सतह पर मिले। अब इसके आधार पर इसने रक्त समूह का विभाजन किया गया था, वो किस प्रकार से किया मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो आरबीसी है, इस आरबीसी की सतह को खंगाला, तो सतह को खंगाला तो उस पर मिला इसको, यहां पर जो प्रोटीन मिला, प्रोटीन कौन सा, ग्लाइको, जिसमें ग्लाइको प्रोटीन के अंदर भी कौन सा, एंटीजन मिला था, उसका नाम एंटीजन कर दिया गया था। यदि यहां सतह पर एंटीजन मिला है, जो ये सतह है, इस सतह पर जो एंटीजन, यदि एंटीजन कौन सा मिला है, एंटीजन ए मिला है, तो इसका रक्त वर्ग होगा, रुधिर वर्ग, रुधिर वर्ग होगा वो कौन सा होगा मेरे दोस्तों, ए होगा। यदि आरबीसी की सतह पर, जिस व्यक्ति की आरबीसी की सतह पर प्रतिजन सॉरी एंटीजन कौन सा है, ए है, इसे प्रतिजन के एंटीजन ए है, तो उसके अंदर कौन सा मिलेगा, रुधिर वर्ग मिलेगा, यानी रुधिर वर्ग होगा वो कौन सा होगा, ए होगा। दूसरा,
यदि आरबीसी यानी ऐसा व्यक्ति मिला जिसकी जो आरबीसी है, आरबीसी की सतह पर कौन सा मिल गया, आरबीसी है उस आरबीसी की सतह पर जो एंटीजन है वो एंटीजन कौन सा मिल गया दोस्तों, एंटीजन एंटीजन कौन सा मिला, बी मिला, तो उसका रुधिर वर्ग होगा, रुधिर वर्ग होगा वो कौन सा होगा, बी होगा। यदि आरबीसी है, आरबीसी की सतह पर एंटीजन कौन सा मिला, ए भी मिला, और एंटीजन कौन सा मिला इसके अंदर, बी भी मिला, तो प्यारे दोस्तों इसका जो रुधिर वर्ग होगा वो रुधिर वर्ग कौन सा होगा, ए बी होगा। यानी प्रति इसके ऊपर एंटीजन कौन सा है सतह पर, ए भी है और बी भी है, इसका मतलब रुधिर वर्ग ए बी होगा। और कुछ व्यक्तियों के अंदर जो आरबीसी थी, आरबीसी इसकी सतह पर कोई भी एंटीजन नहीं मिला, एंटीजन नहीं मिला, इसका मतलब इसका रुधिर वर्ग है वो कौन सा है, रुधिर वर्ग ओ। सिंपल सी बात है, यदि आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए है रुधिर वर्ग ए, आरबीसी की सतह पर एंटीजन बी है रुधिर वर्ग बी, आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए व बी दोनों है तो रुधिर वर्ग ए व बी, और यदि इसकी आरबीसी की जो सतह है उस सतह पर कोई भी एंटीजन नहीं है तो रुधिर वर्ग कौन सा होगा, ओ होगा। ये तो इसने जांच किया। उसके बाद इसने क्या किया था प्यारे दोस्तों, जो लेड स्पिनर जी है इन्होंने क्या किया था, रुधिर वर्ग के अंदर क्या होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इसने एक साथ प्लाज्मा भी होता है, तो उसने क्या लिया, वापस प्लाज्मा लिया और प्लाज्मा की खोज की, यानी वापस इसने प्लाज्मा लिया और प्लाज्मा की जो ये सतह है सतह को देखा, तो सतह को देखा तो उसको क्या मिला, इसकी सतह पर भी एक क्या मिला दोस्तों, प्रोटीन मिला। क्या मिला दोस्तों, इसकी सतह पर भी एक प्रोटीन मिला। इस प्रोटीन यानी इस प्रकार जो आरबीसी है उसकी सतह पर प्रोटीन मिला, इसी प्रकार जो प्लाज्मा है उसकी सतह पर भी एक क्या मिला, प्रोटीन मिला। उच्च प्रोटीन, ये भी प्रोटीन कितने प्रकार का, दो प्रकार के प्रोटीन मिले। इन दो प्रकार के प्रोटीन का इसने नाम दे दिया था, वो था एंटीबॉडी। क्या नाम दे दिया प्यारे दोस्तों, एंटीबॉडी नाम दे दिया। और एंटीबॉडी भी दो प्रकार के थे इसलिए इसने क्या दे दिया, एक का नाम रख दिया एंटीबॉडी, ये स्मॉल कैपिटल में है तो इसको किसमें, स्मॉल में, एंटीबॉडी ए प्लस, दूसरा इसका नाम रख दिया वो कौन सा था, एंटीबॉडी बी रख दिया। यानी दो प्रकार के एंटीबॉडी भी मिले। अब ध्यान ये रखना है, जो अपने पास ये एंटीबॉडी है और इधर एंटीजन है, एंटीबॉडी और एंटीजन होते हैं वो प्यारे दोस्तों एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते, एक दूसरे के विपरीत होते। कहने का मतलब इसके अंदर क्या होते हैं, यदि एंटीबॉडी ए है तो उस व्यक्ति के अंदर एंटीजन ए नहीं पाया जाएगा, यानी ये एक दूसरे के दोनों विपरीत होंगे। तो कहने का मतलब रुधिर वर्गों का विभाजन एंटीजन, यानी आपसे पूछा जाए रुधिर वर्गों का विभाजन किसके आधार पर किया गया, तो आरबीसी की सतह पर उपस्थित एंटीजन ए व बी के आधार पर रुधिर को वर्गों में विभाजित किया गया। और कितने वर्गों में विभाजित किया गया, वर्ग ए, यदि आरबीसी की सतह पर एक एंटीजन है तो रुधिर वर्ग ए, एंटीजन बी है तो बी, एंटीजन ए और बी दोनों उपस्थित हैं तो प्यारे दोस्तों उसका क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। यदि एंटीजन नहीं है उस सतह पर तो उसका रुधिर वर्ग होगा वो कौन सा होगा, ओ हो जाएगा। अब ये इस प्रकार रुधिर वर्गों का विभाजन कर दिया गया। आगे देखते, ये रुधिर वर्गों का विभाजन किया और उसके बाद उसको प्लाज्मा की सतह पर क्या मिल गया, एंटीबॉडी मिल गया। तो एंटीबॉडी और एंटीजन है इसके मध्य क्या संबंध रहता है, ये किस प्रकार उपस्थित रहते हैं रक्त में, इसके अंदर अपन देखें। तो आगे वाला देखते हैं, रुधिर वर्ग के अंदर एक मैं सारणी के माध्यम से समझा देता हूं, यानी ग्राफ के माध्यम से, ये मैं एक बोर्ड चेकर बोर्ड बना लेता हूं।
ये हो गया रत समूह, समूह कहें या वर्ग कहें एक ही बात है, और ये हो जाएगा एंटी जल, एंटी बॉडी विभाजित कर लेंगे। रक्त वर्ग ए, रक्त वर्ग बी, रक्त वर्ग ए बी, और अगला कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, रक्त वर्ग ओ। आपको ये ध्यान रखना है, इसके साथ में ही मैं समझा देता हूं। ये देखो एक दो बॉक्स और बना लो, अपना काम यहां काफी सरल हो जाएगा। ये ओके, अब इसमें क्या लिखूंगा मैं बाद में देखूंगा, पहले इधर देखो। रक्त समूह ए है, इसके अंदर मैंने अभी बताया था कि आरबीसी की सतह की बात की थी, आरबीसी की सतह की बात। यहां पर आपने देखा ए एंटीजन और ए होता है इसके अंदर बी एंटीजन, और जरूरी नहीं है दोनों साथ में हो, जरूरी नहीं है उपस्थित हो, जरूरी नहीं है कि एक दोनों हो, एक भी हो सकता है। यदि मैं कहूं कि आरबीसी की जो सतह है, इस सतह पर प्यारे दोस्तों एंटीजन कौन सा है, ए है, तो रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी है, इसका मतलब सतह पर एंटीजन बी। यदि रुधिर वर्ग ए बी है तो एंटीजन दोनों ही मैंने आपकी बताया था अभी, ए बी यानी दोनों हो, यानी एंटीजन ए भी हो और बी भी हो तो रुधिर वर्ग ए बी होगा। यदि ये दोनों अनुपस्थित है तो कौन सा होगा, रुधिर वर्ग ओ। तो अपन लिख सकते हैं इसके अंदर अनुपस्थित होता है कौन, एंटीजन ओ के अंदर। इसी प्रकार में एंटीबॉडी की बात करो तो मैंने आपको बताया था दोनों एंटीबॉडी रहते हैं वो एक दूसरे के विपरीत रहते हैं। कहने का मतलब ए है एंटीजन, एंटीजन और एंटीबॉडी में बात करूं एंटीबॉडी की, अब इसके अंदर बात करूं एंटीबॉडी ए है, इन दोनों के अंदर क्या रहेगा, प्रतिकर्षण रहेगा। क्या रहेगा प्यारे दोस्तों, प्रतिकर्षण। यदि मैं ए लेता हूं एंटीजन और इधर ले लेता हूं एंटीबॉडी कौन सी बी, तो इन दोनों के अंदर क्या रहेगा, आकर्षण रहेगा, दोनों के अंदर आकर्षण रहेगा, दोनों जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो यदि एंटीजन, एंटीजन है यह भी कितने प्रकार के हैं, ए व बी, एंटीबॉडी भी ए व बी है, तो किस प्रकार व्यवस्थित रहेगा, इस रुधिर वर्ग ए के अंदर एंटीजन है वो ए है तो इसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी होगी। या रुधिर वर्ग बी के अंदर एंटीजन कौन सा है प्यारे दोस्तों, तो बी है, तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए। यहां पर ए बी के अंदर एंटीजन ए बी दोनों है तो यहां पर एंटीबॉडी होगी वो क्या होगी, अनुपस्थित होगी। इसी प्रकार ओ के अंदर कोई एंटीजन नहीं है, इसका मतलब एंटीबॉडी होगी वो ए व बी दोनों होगी। अब देखो ये दोनों समान क्यों नहीं आते हैं, यदि दोनों समान आते हैं ए ए आते हैं तो दोनों के अंदर आकर्षण होगा और सॉरी प्रतिकर्षण होगा, जिससे क्या होगा रुधिर के अंदर क्या होगा, बिलिरुबिन की समस्या आ जाएगी, रक्त का थक्का बनने लग जाएगा। अब देखो यहां मैं एक दो और लेता हूं, एक तो लेता हूं कि ए है ये किसको रक्त दे सकता है, किसको रुधिर देता है, देने वाले को कहते हैं दाता, और ये किससे, किससे रुधिर लेता है, और लेने वाले को कहते हैं दोस्तों ग्राही। अब देखो ए किससे, किसको रुधिर देता है, ए किसको दे सकता है, तो इधर देखो ए किसको दे रखा है, जिसमें एंटीबॉडी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, विपरीत सैम नहीं होना चाहिए, एंटीजन ए है तो ये ए तो किसको, ए को तो देगा ही देगा, और उसके साथ किसको देगा, बी को देगा, तो एंटीबॉडी ए है, ए दोनों दे नहीं सकते, और दूसरों इसमें तो कोई एंटीबॉडी है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ए वे बी को दे देगा। अब इसको दे सकता है क्या, क्योंकि यहां पर एंटीजन ए है या भी एंटीबॉडी ए बेटा है, दोनों समान को नहीं दे सकते, तो ये ए किसको, ए बी को ही देगा,
बी किसको दे सकता है? बी तो एक तो बी को देगा, दूसरा ए को दे सकता है क्या? क्योंकि ए को एंटीजन ए है या एंटीबॉडी सॉरी एंटीजन बी है या एंटीबॉडी बी है, दोनों समान हो जाएंगे, नहीं दे सकता। तो इसको इसमें तो है ही नहीं एंटीबॉडी, तो ए व बी को दे सकता है। ए बी किसको दे सकता है? ए बी एक तो ए बी को तो समान रक्त समूह तो देंगे। अब यदि ये ए को देता है तो यहां पर बी है एंटीजन, एंटीबॉडी बी नहीं दे सकता, या एंटीजन ए है नहीं दे सकता, और इसको तो दे ही नहीं सकता, एंटीबॉडी दोनों है, तो सिर्फ ये किसको दे सकता है? ए बी, ए बी को ही दे सकता है। ओ किसको दे सकता है? किस रुधिर देता है? ओ के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है, सॉरी एंटीजन कोई नहीं है, तो किसी को भी दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। यानी ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, और ओ को भी दे सकता है। अब लेता किससे वो देखो। अब इधर देखो, ए किससे लेगा? ए तो किससे, एक तो अब इधर देखो, ओ के अंदर कोई कहने का मतलब एंटीबॉडी है ही नहीं, तो ये ओ है, ओ से ले सकता 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 है, कोई दिक्कत नहीं है एक में। तो अब देखो ए की बात करें, ए किससे ले सकता है? ओ से। फिर किससे ले सकता है? ए से तो ले गई, खुद से तो खुद का ले गई। अब दूसरा किससे? बी से ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। ए बी से ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। अगर ए से लेगा तो इसके अंदर कौन सा रुधिर, यानी ए बी से ले लेगा, ए वाला बी से लेगा तो इसके अंदर कौन सा आ जाएगा? ए आ जाएगा, तो ले नहीं सकता, और बी है वो ओ बी, और ओ ए बी है, इसके अंदर कोई तो एंटीबॉडी है ही नहीं, तो कैसा भी होगा तो चलेगा। ए का भी ले सकता है, बी का ले सकता है, ए बी का भी ले सकता है, और ओ के अंदर क्या है, दोनों एंटीबॉडी उपस्थित रहते हैं ए व बी, तो ये क्या दे सकता है? ले सकता है। अगर इसका लेगा तो ये आ जाएगा, ए है तो ये विपरीत यानी प्रतिकृष्ण हो जाएगा, बी का लेगा तो इससे प्रतिकृष्ण हो जाएगा, ए बी का लेगा दोनों से प्रतिकृष्ण, तो लेता नहीं। तो इसके बाद एक प्रश्न बनता मोस्ट, अब किसको रुधिर देता है? देने वाले में सबसे अधिक कौन है? ये दे रहा है, ये कौन है? रुधिर वर्ग ओ। तो कहने का मतलब अपन कह सकते हैं रुधिर वर्ग ओ है वो क्या है? राजा है। राजा यानी सर्वदाता। कहने का मतलब राजा क्यों है? सबको दे रहा है। ए आया इसके पास, ओ के पास ले ले, बी आया ले ले, ए बी आया तो भी बोला तो आराम से ले, ओ आया तो भी देता है, सबको दे रहा है, तो इसलिए राजा। राजा यानी सर्वदाता। आपसे पूछा जाए रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, तो ओ होगा। और सबसे अधिक लेने वाला कौन है? ये ओ ए है, वो किससे ले रहा है? ओ ए से ही ले रहा है। बी है, ओ बी से ले रहा है, और ए बी है सबसे ले रहा है, ओ से, ए से, बी से, ए बी से, तो और ओ है सिर्फ ओ से ले रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? सर्वे ग्राही, यानी सबसे ले रहा है, यानी क्या है? भिखारी है। कहने का अपन कह सकते हैं सर्वे ग्राही। आपसे पूछा जाए सर्वे ग्राही रक्त समूह कौन सा है? ए बी, सर्वेदाता ओ, ये प्रश्न बनते। तो ये ध्यान रखो, आगे चलते हैं। ये तो अपने एंटीजन की बात हुई प्यारे दोस्तों, दो एंटीजन हुई, एक तो एंटीजन ए व एक एंटीजन बी। फिर आगे क्या होता है? जो अपने रुधिर वर्ग की खोज की थी, वो खोज किसने की थी? खोज की थी अपने, अभी लिखा था कॉल्स लेडिस्टनर ने, कि ये सुप बैठने वाला नहीं है, सहन से उसको नींद नहीं आ रही। आगे जितने भी वैज्ञानिक थे वो आराम से बैठते नहीं थे, एक खोज हो गई और दूसरी खोज में लग जाते थे। अपने आजकल के युग में क्या है, एक नौकरी लग गई छोटी मोटी और आराम से बैठने लगे, क्योंकि आजकल तो क्या है ज्यादा तो लोग किस लिए पढ़ते हैं आपको पता ही है, और गांव में तो बात ही अलग है, एक लग जाता है तो दूसरा बोलते हैं अरे मोटिया वो लागी और तू ला रही। अब देखो आगे बात करते हैं आरएस कारक की। आरएस कारक, अब आरएस कारक क्या होता है, आरएस फैक्टर, इसके बारे में बात करते हैं। आरएस कारक होता है, इसकी सबसे पहले तो आपको पूछी जाती है खोज कब हुई, तो इसकी खोज हुई थी
वो 1940 के अंदर हुई थी। 1940 के अंदर एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था कार्ल लेड स्टीनर, और इसके साथ एक और जुड़ गया था। एक तो ये था ही, बैठने वाला था नहीं, इसके साथ एक और जुड़ गया जिसका नाम था विनर। कौन था? विनर। यानी एक तो था ही अपने पास पहले वर्ग समूह वाला, और एक जुड़ गया विनर। इन दोनों ने क्या किया, मिलकर एक आरबीसी की खोज करने शुरू की। अब उस मानव के अंदर उसको आरबीसी की खोज कर ली जिसके अंदर एंटीजन, उसको एंटीजन ए व एंटीजन बी मिला। फिर इसने एक और खोज कर ली थी, वो खोज की थी किस पर, बंदर पर। जो बंदर कौन सा था, मकांका रिसस प्रजाति का जो एक बंदर था नामक बंदर पर की। इसने क्या किया था, वापिस एक बंदर की जो आरबीसी है उस आरबीसी को लिया, और आरबीसी को लेने के बाद उसकी सतह को देखा, और सतह को देखा तो सतह को देखने पर पता चला कि जो पहले अपने खोज कर ली थी कौन सी, जो एंटीजन ए वे एंटीजन कौन सी थी, बी था। इसके अलावा उसको एक क्या मिल गया, और प्रोटीन को मिला, यानी कहने का इसको एक और प्रोटीन मिल गई। उस प्रोटीन का नाम इसने दे दिया था, वो कौन है उस प्रोटीन, यानी कहने का एक और प्रोटीन मिल गई, उस प्रोटीन का इसने नाम दे दिया था कौन सा, यानी कहने का प्रोटीन या अपन कह सकते हैं क्या मिल गया, एक एंटीजन मिल गया। उस एंटीजन का नाम इसने क्या दे दिया, आरएस कारक दे दिया। यानी बंदर की जो आरबीसी की सतह पर एक और एंटीजन मिल गया, और उस एंटीजन का नाम इसने दे दिया, वो क्या था, आरएस नाम दे दिया। अब आरएस नाम दे दिया, आरएस नाम, अब क्या किया, तो आरएस कारक है उसका भी प्रकारों में विभाजित किया। ये कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में, तो प्रकार कैसे विभाजित किया, कहने के मैं यह लिख देता हूं, आरएस कारकों को दो भागों में विभाजित किया। दो भाग कौन कौन से, एक तो किया आरएस प्लस, आरएस प्लस कारक या आरएस धनात्मक कारक। इसकी जो परिभाषा थी मैं लिख देता हूं कि जिस व्यक्ति की आरबीसी के सतह पर आरएस कारक उपस्थित हो उसे क्या कहा जाता है, आरएस धनात्मक कारक कहते हैं। जिस व्यक्ति की आरबीसी की सतह पर आरएस कारक पाया जाता हो या उपस्थित हो तो आरएस धनात्मक, और जिन व्यक्ति के अंदर जो आरएस कारक है आरएस ऋणात्मक, यानी अपन कह सकते हैं आरएस नेगेटिव, यानी जिस व्यक्ति की आरबीसी है उस आरबीसी की सतह पर ये क्या है, जो आरएस कारक है वो कारक क्या है, अनुपस्थित है। यानी अनुपस्थित कहने का मतलब उसमें नहीं पाया जाता है, तो आरएस ऋणात्मक। यानी जिस व्यक्ति की आरबीसी की सतह पर यदि कहने का मतलब ऐसे कह दो, यदि व्यक्ति की आरबीसी की सतह पर यदि आरएस कारक पाया जाता है तो धनात्मक, यदि आरएस कारक नहीं पाया जाता है तो ऋणात्मक। सिंपल सी बात है, ऋणात्मक हो जाएगा। अब ये आरएस कारक ऋणात्मक और धनात्मक का प्रभाव डालते हैं, और ये कितने लोगों में होता है, तो ये रिसर्च करने के बाद पता चला जो आरएस कारक है, अगर अपन बात करें आरएस कारक किसमें, भारत के अंदर, तो भारत के अंदर जो आरएस कारक की अंदर बात करें, तो भारत की मैं बात करूं कि आरएस कारक है पॉजिटिव, आरएस कारक पॉजिटिव है जो भारत के अंदर मैं बात कर रहा हूं। भारत में आरएस कारक को पॉजिटिव की बात करें तो आरएस कारक पॉजिटिव है वो भारत के अंदर कितने हैं, 93%, और बाकी जो है वो कौन से रह जाएंगे, आरएस नेगेटिव है वो कितने रह जाएंगे, 3%। और मैं बात करता हूं किसकी, विश्व की, विश्व में जो आरएस धनात्मक है उनकी लोगों की संख्या है वो कितनी है, 85%, और आरएस ऋणात्मक है उनकी लोगों की संख्या है वो कितनी है,
15 वर्ष। सिंपल सी बात है, ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगी भारत में आरएस धनात्मक के लोग कितने प्रतिशत हैं, तो 93% है। ये पूछे आरएस धनात्मक के विश्व में कितने लोग हैं, 85% है। और ऋणात्मक पूछे कि भारत के अंदर आरएस ऋणात्मक लोगों की संख्या कितनी है, तो अपन क्या कहें कितने प्रतिशत आरएस ऋणात्मक है, तो कितने 3%। कितने प्रतिशत विश्व में आरएस ऋणात्मक है, 15% आरएस ऋणात्मक होते। अब देखो ये आरएस कार्य क्या प्रभाव डालता है उसके बारे में अपन पढ़ते। आरएस कार्य क्या प्रभाव डालते हैं सामान्यतः, इन आरएस कार्य के आधार पर ही क्या किया जाता है, रुधिर वर्ग ए प्लस इस प्रकार से होता है, मैं आपको बताता हूं। अब देखो आरएस कारक है, आपने एक रुधिर वर्ग सिंपल सी पढ़ा है, रुधिर वर्ग है वो कितना है, रुधिर वर्ग कैसे, यानी सिंपल से अपन पढ़ा था ए बी ए बी व ओ पढ़ा था, और कभी आपने ये भी देखा होगा कि ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस ओ प्लस ओ माइनस, ये किस प्रकार से होता है मैं आपको बता देता हूं। इधर ये जो अपने आरबीसी है, आरबीसी की जो सतह है इस पर यदि ए तो कोण है एंटीजन है, इसके साथ साथ आरएस कारक उपस्थित है, आरएस कारक भी पाया जाता है, कौन सा एंटीजन ए भी पाया जाता है, तो उसमें जो रुधिर वर्ग होगा वो कौन सा होगा ए प्लस होगा, आरएस पाया जाता है। यदि आरबीसी की सतह पर ए केला ही कौन है एंटीजन है, आरएस कारक नहीं है अनुपस्थित है, तो उसका रुधिर वर्ग होगा वो कैसा होगा ए माइनस होगा। ए माइनस कहने का मतलब आरबीसी की सतह पर आरएस कारक नहीं है, सिर्फ एक ही कौन है एंटीजन ए है, यदि इसकी सतह पर है तो प्लस में जगह। इसी प्रकार में बात करूं आरबीसी की सतह पर यदि बी एंटीजन है साथ में कौन है आरएस कारक है, तो वो कौन सा हो जाएगा बी प्लस हो जाएगा। यदि ये नहीं है आरबीसी की सतह पर, यानी अकेला ही बी उपस्थित है, तो कौन सा हो जाएगा बी माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार मैं कह दूं यहां पर आरबीसी है, आरबीसी की सतह पर कौन है एंटीजन ए बी है, एंटीजन बी भी है और आरएस कारक भी है, तो तीनों है, तो कौन सा हो जाएगा ए बी प्लस हो जाएगा। यदि आरबीसी की सतह पर क्या है ए तो उपस्थित है बी भी है लेकिन आरएस नहीं है, तो ए बी कौन सा हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार मैं ओ की बात करूं, आरबीसी की सतह पर कौन है कोई प्रतिजन ये एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो कौन सा ओ, यदि इसके साथ कौन उपस्थित है आरएस उपस्थित है तो प्लस, यदि आरएस आरबीसी की बीसी की सतह पर कोई एंटीजन उपस्थित नहीं है तो ओएस ओ सॉरी माइनस होगा, कोई एंटीजन उपस्थित नहीं, तो इस प्रकार से प्लस माइनस का विभाजन किया जाता है। तो ये आरएस कारक है, ये प्रभाव कहां कहां डालते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, आरएस कारक कहां कहां प्रभाव डालते, तो ये मुख्य थे, या तो रक्त देते हैं उसमें प्रभाव डालते हैं, उसके साथ साथ कोई नयेली शादी होती है तो उस पर भी ये बुरा प्रभाव डालते हैं। वो कैसे डालते हैं बताओ, रुधिर वर्ग के अंदर भी डालते हैं तो समझेंगे, और शादी में भी कैसे डालते हैं। तो इधर ये जो शादी करते हैं लोगों में, शादी में आर एस कारक का महत्व होता है। यदि अपना आरएस कारक सही है नहीं है तो विज्ञान भी ऐसो मेडिकल साइंस है वो शादी भी नहीं करने देती, यानी आरएस कारक सही भी होना चाहिए। आजकल तो लोग क्या करते हैं आरएस कारक पहले ही चेक करवा लेते हैं, तो आरएस कारक का किस प्रभाव पड़ता है वो मैं आपको बता देता हूं। इधर या मान लो शादी करने वाला दूल्हा है, आराम से ये दूल्हा खड़ा है, इधर कौन है दूल्हा होगा तो दूल्हे के सामने कौन होगी दुल्हन होगी, ये दुल्हन आराम से यहां खड़ी है वरमाला लिए। अब देखो अब क्या
क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है, मैं दर्द, यदि ये दूल्हा है, यानी दूल्हा होगा तो कौन होगा, नारी होगा, ये कौन होगी, माता यानी महिला, और ये कौन होगा, पुरुष होगा। यदि शादी करने वाला पुरुष है जिनका रुधिर वर्ग यानी आरबीसी की, जिनके आरबीसी की सतह पर यदि क्या पाया जाता है, आरएस कारक उपस्थित होगा यानी धनात्मक है, और ये धनात्मक है, शादी करने वाली महिला के अंदर भी आरएस कारक धनात्मक है यानी उपस्थित है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आराम से शादी करो और 10 15 20 25 जितने चाहो उतना पैदा करो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी बात, यदि मैं कह दूं यहां जो पुरुष है उसका आरएस कारक नेगेटिव है और इसका भी क्या है, नेगेटिव है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि इसका क्या है, नेगेटिव, और महिला का क्या है, पॉजिटिव, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यदि इसका क्या है, पुरुष का है आरएस धनात्मक और महिला का है आरएस ऋणात्मक, तो बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो मेडिकल साइंस ये कहती है इस प्रकार का जोड़ा बनना क्या हो सकता है, खतरनाक साबित हो सकता है। पुराने समय में ऐसी गलतियां हो जाती थी, वर्तमान के अंदर ऐसी नहीं होती है, अधिकतर तो कोर्ट मैरिज होते हैं तो पहले ही चेक करवा लेते हैं, तो ये आपको चेक करवा के रखना चाहिए। यदि आप दोस्तों शादी करते हो तो आपका पॉजिटिव है आरएस कारक और महिला का नेगेटिव है तो उनसे शादी नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है, उसका समाधान भी है, मैं बताऊंगा। तो ये कुछ प्रभाव पड़ जाते हैं इस पे, पॉजिटिव पॉजिटिव कोई प्रभाव नहीं, नेगेटिव नेगेटिव कोई प्रभाव नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव कोई प्रभाव नहीं, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में शादी करते हैं तो बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से प्रभावित होते हैं। अब इधर देखो, यानी यहां पर अपना पुरुष है, यानी मैं कह दूं नर है, वो कैसा है, आरएस पॉजिटिव है। महिला है यानी मादा है, वो क्या है, आरएस नेगेटिव है महिला, ठीक है, यहां हो जाएगा पुरुष। अब देखो ये दोनों यानी पुरुष ए एल लो आराम से बैठा है और दस दस के दूल्हा बन गए यार, ये भी दुल्हन बन गई, मेहंदी वगैरह लगा के, ये फुलमाला, वो क्या कहते हैं, वरमाला लेके खड़ी है आराम से इसके गले में डालने के लिए। इनको पता नहीं है कि हमारी जो आरबीसी है उसकी सतह पर इसके आरएस कारक पाया जाता है और इसके नहीं है, इसको इनको पता नहीं है, तो आराम से ये वरमाला इसके गले में डाल लेंगे, और गले में डालेंगे तो दोस्तों कमाल हो जाता है, और क्या होता है, कुछ नहीं होता, शादी होगी और क्या होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा, इनकी दोनों की शादी हो जाएगी। अब शादी होगी तो क्या होगा, शादी का परिणाम भी मिलेगा, शादी का कुछ फल तो मिलेगा ही, शादी क्यों करते हैं, कुछ लोग कहेंगे साइंस के अनुसार तो शादी क्यों करते हैं, उत्तर एक ही है, अपने वंशज को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन शास्त्रों में ये नहीं होता है, शास्त्र ये कहते हैं कि शादी वंशज को आगे बढ़ाने के लिए नहीं करते हैं, अपने भाई है दो तीन वंशज तो वो भी आगे बढ़ा देते हैं, अपन को करने की क्या जरूरत है, शास्त्रों के अनुसार तो शादी का मतलब होता है अपनी शरीर की आंतरिक संतुष्टि के लिए क्या की जाती है, शादी की जाती है, वो छोड़ो अपन यहां देखते हैं। तो ये कर दी शादी, अब इनके अंदर शादी हो गई तो कुछ समय के बाद क्या होगा, परिणाम मिलेगा, कुछ फल मिलेगा, फल में यहां क्या मिलेगा, फल में मिलेगा अपने पास वो क्या मिलेगा, मुन्ना मिलेगा, सीधी सी बात है, फल में क्या मिलेगा, मुन्ना मिलेगा, ये मुन्ना मिल गया। अब देखो यहां पर क्या था अपने पास, इसका आरएस प्लस था, तो मुन्ने का भी क्या होगा, आरएस प्लस होगा। अब देखो दोस्तों ये तो जो प्रथम संतान होगी, प्रथम जो पुत्र या पुत्री होगी वो क्या होगी, संतुलन प्रसव के द्वारा होगी, और प्लस कहने का मतलब अपन इसको कहते हैं एक सामान्य प्रसव होगा, लेकिन आने वाले समय के अंदर ये तो फर्स्ट सी, अब
शादी करेंगे तो संतान तो होगी, 2, 4, 5, 6, 10 जितनी भी होगी। तो सेकंड के अंदर क्या होता है, जैसे ही मुन्ना आता है किसके यहां, जैसे मान लो ये माता है, इस माता के गर्भ में कौन आता है, मैं यहां बना, जैसे माता के गर्भ में मुन्ना आता है, मैं गर्भाशय को बना लेता हूं ऐसे ही। जैसे ये मुन्ना आता है तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे दूसरी संतान होती है, पहली संतान में क्या होता है, जैसे आरएस प्लस आता है तो महिला को पता नहीं चलता, सॉरी महिला का जो शरीर के अंदर आरबीसी है उसको पता नहीं चलता है, उसको जैसे ही प्रसव होता है उस समय पता चलता है कि अपने शरीर में से कुछ आतंकवादी निकल कर चला गया है, यानी कुछ दूसरा व्यक्ति आया था और अपने साथ रहा था 9 महीने तक, अपन को पता ही नहीं चला, तो उसने मस्तिष्क को बोला कि ये ऐसा हो गया, तो महिला के मस्तिष्क आरबीसी ने बोला, आरबीसी कहते ही आरबीसी ने कहा ऐसा काम हो मस्तिष्क का, अगली बार आने दे, पता चलता है। जैसे ही दूसरी बार संतान आती है, यदि उसका आरएस कौन सा नेगेटिव होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, फिर भी यहाँ ये मुन्ना है उसका आरएस प्लस का आ जाता है, तो पहले से ही इसके गर्भ में क्या बनी होती है, एंटीबॉडी बन जाती है, यानी प्रथम प्रसव होता है उस समय क्या होता है, शिशु का माता का रक्त हो जाता है, साथ में मिल जाता है, और साथ में मिलने के कारण ये माइनस, यानी इसी के साथ क्या हो जाता है, पहले कोई आरएस कारक था नहीं इसके आरबीसी के स्तर पर, और जैसे ये रक्त मिलेगा तो माता के अंदर आरएस कारक बन जाएगा कौन सा, और दोबारा जो संतान पैदा होगी तो ये आरएस प्लस और इसके अंदर एंटीबॉडी बन गई थी आरएस वाली, तो ये दोनों मिलकर इस बच्चे को क्या करेगी, यानी एंटीबॉडी माता वाली है वो गर्भ में ही एंटीजन को क्या करेगी, नष्ट कर देगी, यानी नष्ट कर देगी और नष्ट कर देगी, या ये कहने का मतलब जो गर्भ में ही बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, यदि वो बच्चा जीवित रहा तो अत्यंत कमजोर वे हेपेटाइटिस से क्या होगा दोस्तों, ग्रसित होगा। और इस प्रकार की जो कंडीशन होती है, यानी अपने पास जो कंडीशन आती है, इस प्रकार की जो कंडीशन आती है उस कंडीशन को अपने किस नाम से जाना जाता है, या इस प्रकार की जो स्थिति होती है, या अपन कहते हैं इस प्रकार का जो रोग होता है उस रोग को अपन किस नाम से जाने जाते हैं, तो उस रोग को नाम जाना जाता है इरिथ्रोप्लास्टोसिस फिटेलिस, फिटेलिस तो इसका नाम होता है इरिथ्रो, इरिथ्रो का मतलब अपने पढ़ा था किसमें, आरबीसी के अंदर, किसका नाम था इरिथ्रोसाइटस, वही पे, तो इरिथ्रो ब्लास्टोसिस, इरिथ्रो ब्लास्टोसिस फिटेलिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस नामक एक क्या हो जाती है, विकृति उत्पन्न हो जाती है। इस विकृति को आप हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, हिंदी में इसे बोला जाता है ग्रब रक्ताणु कोरकता, गर्भ रक्ताणु कोरकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी जब दूसरी बार संतान उत्पन्न होती है निपरस होता है उस समय बच्चे की क्या है, गर्भ में मृत्यु हो जाती है, यह कमजोर वह हेपेटाइटिस से ग्रसित पैदा होता है, इसे अपन क्या कहा जाता है, इरिथ्रो ब्लास्टो फिटेलिस कहा जाता है, या गर्भ रक्ताणु कोरकता कहते। अब मान लो अपन को पता नहीं था ये शादी हो जाती है, अब उपाय क्या है, उपाय है लेकिन उपाय को ध्यान रखना पड़ेगा, जो ये प्रथम प्रसव हुआ था, प्रथम प्रसव के जैसे प्रसव होता है उसके 24 घंटों के भीतर, कितने घंटे 24, प्यारे दोस्तों 24 घंटों के भीतर क्या लगाया जाता है, एक टीका लगाया जाता है, टीका जिसे अपन कहते हैं रोगम, क्या कहा जाता है रोगम, 24 घंटों के भीतर टीका लगाया जाएगा जिसे रोगम कहा जाता है, और ये टीका किसका लगाया जाता है, वो है आईजीजी का, कौन से प्रतिरक्षी का लगाया जाता है, आईजीजी, याद रखना कि रोगम के समय, या अपन ये आ जाए इरिथ्रोप्लास्टोसिस फिटेलिस रोग को दूर करने के लिए, या अपन कहते हैं इस रोग से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है रोगम, और इसमें टीका कौन सा प्रतिरक्षी काम में आता है, आईजीजी, ये प्रतिरक्षी काम में आता है। अब ये तो लगा दिया, अब नहीं लगाते हैं तो दूसरी संतान जीवित
नहीं देते। ये टीका लगाने के बाद 2, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14 जितने भी संतान उत्पन्न करना चाहो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब तो कुछ नहीं है, लेकिन पुराने समय में हुआ करता था दोस्तों। क्या हुआ करता था, पहली संतान हो गई, डॉक्टर के पास गए नहीं, प्रसव घर पे हुआ करता था। अब पता ही नहीं था आरएस कारक वगैरह होता है कुछ शरीर में, ये तो पता ही नहीं था। आरएस कारक क्या होता है, दही रात ठोको और बस संतानें पैदा करते रहो, ये तो पता नहीं था पहले। तो अब उसमें क्या हुआ था, अब तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपना पहले से ही पता लग जाता है, या पहले से अपन जांच करवा लेते हैं, पहले ये नहीं हो करता था। तो प्रथम संतान होगी, दूसरी जीवित नहीं रहती है, तो लोग बोपो के पास घूमते थे, लेकिन प्रभाव तो ये रहता है, आरएस कारक वाला रहता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, अगला जो अपने रक्त का भाग है वो अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।